टूर का क्या हाल है? दवा मारा इसको दस पल्ली? हाँ दस पल्ली। हाँ पल्ली अच्छी आई है। पल्ली अच्छी है, पानी मिल रहा है ना? अब अपन लेट लगाया हुआ तो भी पल्ली आना चाहिए। ये अपन ने आम लगाए उसके बाद पंद्रह बीस या महीना एक महीने के बाद अपन ने तूर डाला हुआ। कितने लाइन में तूर डाला अपन? पूरा ही है, पूरा अपना तूर डाला। ठीक है, उसमें से कुछ जगह हुआ कुछ जगह नहीं हुआ। ये तूर है, मक्का है और क्या है इसमें? तूर मक्का दो ही? नहीं नहीं, दो लेटरल गई ना, लेकिन नहीं ये अपने इसके लिए, ये फनस के लिए। फनस है ना इसमें? हाँ 30x30 तो फनस है ना ये? हाँ हो गया फनस। ठीक, दालचीनी फनस, इधर में फनस, दालचीनी, चार दालचीनी के बीच में एक फनस, चार फनस के बीच में दालचीनी है ना? एक दो तीन, उधर नहीं हुई इसमें? दस दस फीट का तूर उसमें नहीं हुई? नहीं उसमें नहीं हुई। लगाई नहीं? नहीं लगाए थे अपन ने, हुआ नहीं। ये कैस्टर है, कैस्टर, कैस्टर लीव्स यूज होती है दशपर्णी के लिए, और कैस्टर ऑयल बनता है, और कैस्टर ऑयल की क्या उपयोगिता है, मेडिकल यूज है, फार्मास्यूटिकल यूज है। उसी तरह से कैस्टर के पत्ते जब जमीन पे गिरते हैं तो इसमें की जो डिजीज होती है वो, जो बैड डिजीजेस है, बैड इंसेक्ट्स है, वो उससे मरते हैं। और जो तूर वगैरह यहाँ लगाई गई है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लगाया गया है, और ये दालचीनी लगी हुई है, सिनेमन, ये सिनेमन है दालचीनी, और इसके बीच में जो है जैकफ्रूट फनस, 12 प्रकार के फनस लगाए गए हैं। ये सॉइल ये इसमें देख सकते हैं कि अर्थवर्म आपको दिखेगा, अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है। ये नेचुरली अर्थवर्म पैदा होते हैं जब हम लोग घनजीवा अमृत झाड़ के करीब में डालते हैं, तो ये अर्थवर्म इस तरह से उसमें तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये 2 महीना हुआ है और इसमें अर्थवर्म तैयार हुआ है, और अर्थवर्म जब तैयार होता है तो जमीन में 15 फीट तक के गड्ढे करता है, और जब बरसात गिरती है